पाकिस्तान, बिल्कुल मेरे नज़दीक मेरे सामने पाकिस्तान है दोस्तों, सच्चे इंडिया के खेत हैं। और इधर जो ये बॉर्डर सी लग रही है, ये पाकिस्तान के खेत हैं। और ये सामने पाकिस्तान से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो दोस्तों हम अब जा रहे हैं पाकिस्तान और आपको पाकिस्तान दिखाएंगे, और ये हमारे साथी हैं, तो चलो पाकिस्तान चलते हैं। मैंने अटारी बॉर्डर का पास बनवा लिया है 4-5 साथियों ने, तो अब हम अंदर जा रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान के नज़दीक, तो वो आपको दिखाएंगे। और वो जो वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर, वो अगर हम पाकिस्तान की साइड से आएंगे तो उसको वाघा बॉर्डर बोलते हैं, अगर हम इंडिया से जाएंगे तो अटारी बॉर्डर बोलेंगे। तो सेम ही है वो दिखाएंगे आपको अंदर, और दूर से पाकिस्तान को भी दिखाएंगे, भाई अंदर तो पॉसिबल है नहीं है। तो चलो अंदर चलते हैं और तो आपको दिखाते हैं। तो साथ में निसार भाई भी हैं, आरिफ भाई हैं, और इनसे बातें करते हैं। निसार भाई, आप कितने टाइम आ गए थे यहाँ पे? देखिए ये सारी बातें आरिफ भाई बताएंगे। माशाल्लाह मेरे को तो इतनी बार आगा कि मेरे को पता ही नहीं मैं कितनी बार आगा। मैं हर टाइम आते रहता, 2-4 दिन में 5 दिन में, जब भी मैं दिल्ली था तो आते रहता मैं वाघा बॉर्डर में। कहीं से भी आया तो वाघा बॉर्डर आके आता, क्योंकि वाघा बॉर्डर को हमारे जो शिहाब भाई का जो रास्ता जा रहा था उसको बार बार देखने का माशाल्लाह जो ऐसा था, बहुत मज़ा आता था बार बार देखने के। तो आज शिहाब भाई ने अलविदा कर दी इंडिया को और पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं। तो अभी जो हम आपको बता दें कि शिहाब भाई पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उसका सफ़र आगे का पाकिस्तान का चालू हो चुका है। हम पूरी अपडेट देते रहेंगे पाकिस्तान के बारे में भी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं, वो निसार भाई और आरिफ भाई के दोस्त हैं। तो चलो अंदर चलते हैं वाघा बॉर्डर में, तो आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे, वहाँ के सीन, और वो किस तरह से है आपको सब दिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने, ये इंडिया के खेत हैं, और इधर जो ये बॉर्डर सी लग रही है, ये पाकिस्तान के खेत हैं, और ये पाकिस्तान का फ्लैग है बिल्कुल मेरे सामने, और इधर पाकिस्तान है, मुझसे चंद कदम दूर ही पाकिस्तान है। और शिहाब भाई यहीं के गए थे अभी 15-20 मिनट पहले, और हमारे पास वीडियो भी आ चुकी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अब अंदर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और कभी आओ तो कैसे कैसे आना पड़ेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या नहीं, तो अंदर चलते हैं वो आपको दिखाएंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। हम अंदर आ चुके हैं, और अगर आप कुछ फालतू चीज़ ले जाओ तो एंट्री नहीं होगी आपकी, आप सिर्फ यहाँ पर फ़ोन और बर्ड्स वगैरह अंदर ला सकते हो, बाकी और कुछ चीज़ नहीं। अगर आप खाने पीने की चीज़ लो तो अंदर सब मिल जाती है। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे, यहाँ पर भीड़ और सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत ज़बरदस्त, तो चलो अंदर चलते हैं। ये सामने पाकिस्तान से गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये गेट है जहाँ से पाकिस्तान से इंडिया की गाड़ी जाती है, और इंडिया की गाड़ी पाकिस्तान के लिए आती है जो माल वगैरह ले जाती है। और इस सामने खड़ी काफ़ी सारी गाड़ी, तो ये जारी गाड़ी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान से आई है और इंडिया के लिए जा रही है। और अब अंदर चलते हैं। ये जिन्ना साहब है, पाकिस्तान बिल्कुल मेरे नज़दीक मेरे सामने पाकिस्तान है दोस्तों, सच्चे यूनिक फीलिंग राइट नाउ। तो अंदर चलते हैं और काफ़ी अंदर। दोस्तों एक बहुत यूनिक चीज़ सुनने को मिली यहाँ पर, अगर अब यहाँ की बात करो इंडिया की तरफ से, तो यहाँ पर काफ़ी सारे सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं कि तू मेरा धर्मा तू मेरा कर्मा, लेकिन वहाँ पर वहाँ से कुरान की आयत की आवाज़ आ रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सुन के। कभी अल्लाह रबी कुमार तुक ज़िबान, ये आयत चल रही थी यार, बहुत अच्छा लगा। तो अंदर चलते हैं, ठीक है, वो भी दिखाएंगे आपको। और सो आई एम सो एक्साइटेड दोस्तों, काश तुम भी मेरे साथ होते।
ये पाकिस्तान का टैंक है। ये जो खेती है गेहूँ का खेती है, ये अपने हिंदुस्तान का। ये जो पेड़ है अपना है ऐसे टाइप में, सीधा लेफ्ट साइड पाकिस्तान, राइट साइड अपना हिंदुस्तान है। और ये जो मेन फेंसिंग है पूरा इंडिया का कवर करके रखा है। सर ये जो टैंक है ये इसके बारे में, ये वहाँ से उठा लाया या फिर यहीं पे छोड़ कर? नहीं, सन 1971 में जो लड़ाई हुई थी ना, उस लड़ाई में ये टैंक पाकिस्तानी जो फोर्स से यहाँ छीना गया। ये लड़ाई में जब उनकी हार हुई तो टैंक वो छोड़ के गए। सामने